अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पैनकेक। तो हम इसे घर में किस तरह आसानी से बनाएं उसका तरीक़ा अब हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, हम तीन किस्म के पैनकेक बना रहे हैं। एक चॉकलेट पैनकेक बनेंगे हम, एक स्ट्रॉबेरी वाला पैनकेक बनेंगे हम। ये स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल के, अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप स्ट्रॉबेरी कलर भी डाल सकते हैं या स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल सकते हैं आप। ये स्ट्रॉबेरी सिरप भी है अगर आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। तो चॉकलेट पैनकेक में हम चॉकलेट सॉस और कोको पाउडर डालेंगे, जो हमने एक टीस्पून लिया है। इस तरह से एक टीस्पून लिया हमने। और एक पाइनएप्पल बनेंगे हम, तो जिसके लिए हमने ये पाइनएप्पल एसेंस लिया है। इसके लिए हमने बिल्कुल दो से तीन ड्रॉप बस हमें इसका एसेंस लगेगा, जो हम इसके बैटर में डालेंगे बाद में। तो हमने एक पाइनएप्पल पैनकेक बनाएंगे हम, एक स्ट्रॉबेरी, एक चॉकलेट और एक सादा वाला। तो सादा वाला हम उत्तपा टाइप पैनकेक बनेंगे, जिस तरह हम चावल के आटे से उत्तपा बनाते हैं उसी तरह हम मीठा उत्तपा बनेंगे। तो उसके लिए हमने ये एक टेबल स्पून बारीक चॉप कर दिया हमने सेब को, बहुत बारीक चॉप किया हमने से, इस तरह से बारीक। और कुछ अनार के दाने लिए हमने, जो एक टेबल स्पून है, इसमें से हमें जितना लगेगा हम उतना ही डालेंगे। और थोड़ी सी एक टेबल स्पून टूटी फ्रूटी लिया है हमने, और मॉस को भी इसी तरह बारीक चॉप कर दिया हमने। केले को भी हमने बारीक चॉप कर दिया। और हम एक कप मैदे के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम इसमें चार पैनकेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक कप पैनकेक के लिए हमें एक कप मैदा चाहिए, जो 200 ग्राम है। तो आपके पास जो भी कप्स है जो 200 ग्राम का है, उसके हिसाब से आप सबसे पहले मैदा गिन लें, फिर उसके हिसाब से इसमें एक अंडा लगेगा हमें, और दो टेबल स्पून हम सादा तेल डालेंगे। और हमें बेकिंग सोडा हमने एक टीस्पून लिया है, और आधा टीस्पून खाता सोडा लिया है, और दो टेबल स्पून हम इसमें खट्टा और चक्के का दही डालेंगे। तो दो टेबल स्पून हम इसमें दही डाल रहे हैं। और अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं तो आप फिर खाता सोडे को एक टीस्पून लेना, और डेढ़ टीस्पून बेकिंग सोडा डालना अगर आप दही नहीं डाल रहे तो। उसके सोडे की क्वांटिटी बढ़ा देना आपने, इससे डबल ले लेना जितना अभी हमने लिया। तो इसमें हम दही डाले बोल के हम एक टीस्पून बेकिंग सोडा ले रहे हैं, आधा टीस्पून खाता सोडा ले। तो हम ये आपको आसानी से किस तरह बनाना है, इसलिए आपको अच्छे से हम समझाएंगे कि किस तरह से आप सब चीज़ें लें, तो आपको ताकि बनाते वक्त मुश्किल ना हो। बहुत से बहनों को वो होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कितना क्या डालना, तो हम इसलिए आपको आसानी से बता रहे हैं। और हम नमक है तो जितना हमें लगेगा बिल्कुल पाव टीस्पून टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और एक कप मैदे में हम एक कप दूध डालेंगे, ये आधे कप से गिन के हम इसमें दूध डालेंगे। और दो टेबल स्पून हमें शक्कर लगेगी, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस तरह का चमचा सबके पास ही होता है, इस घर में आपके होंगे इस तरह का चमचा, तो आप इसमें इस चमचे के हिसाब से दो चम्मच शक्कर डालें और दो चम्मच तेल डालें, एक अंडा और एक कप मैदा। तो चलिए बहनों, हम एक बॉल लेंगे, उसमें सबसे पहले शक्कर, मीठा तेल और अंडा डाल के इसे ब्लेंड कर देंगे। अगर आपके पास सादा ब्लेंडर हो, करंट वाला ब्लेंडर ना भी हो, तो सादे ब्लेंडर से भी आप इसे फेर सकते हैं। तो चलिए हम ये सब हटा के फिर उसमें सबसे पहले इसका बैटर बनेंगे। तो चलिए, हमने सबसे पहले मैदे को बारीक छान लिया है,
और हमें बनाने के लिए घी लगेगा। हमने असली घी लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। और वेनिला एसेंस भी लगेगा हमें, बिल्कुल आधा टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे हम इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये जो तेल रखा था उसे डालेंगे। दो टेबलस्पून हम इसमें इस तरह से दो टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। तो हमने दो टेबलस्पून तेल लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें दो चम्मच ये दही डालेंगे, दो टेबलस्पून इस तरह से। आपके पास इस साइज़ का चमचा हो तो उसके हिसाब से आप इसमें दो टेबलस्पून दही डाल दें। फिर हम दो टेबलस्पून इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें उसके ऊपर बाद में शक्कर का सिरप और चॉकलेट पे चॉकलेट सिरप डालने वाले हैं हम, तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे। बस दो टेबलस्पून डाला हमने शक्कर, क्योंकि ऊपर इस पर कोई भी सिरप डाल के आप खा सकते हैं, इसलिए हम इसमें शक्कर कम डाल रहे हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम साथ ही साथ इसमें अंडा भी डाल लेंगे इस तरह से। ये एक अंडा इसमें डाल दिया हमने। अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम ये दूध जो रखा था वो डाल देंगे। ये टोटल एक कप दूध है ये। और बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें पाव टीस्पून नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें हम ये वेनिला एसेंस डालेंगे। हमने पाव टीस्पून वेनिला एसेंस डाला है इसमें। फिर उसके बाद इसमें हम ये बेकिंग सोडा और सोडा डाल देंगे। इसे एक बार और ब्लेंड करके फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा डालेंगे। एक हाथ से इसे ब्लेंड करते जाएंगे और एक हाथ से मैदा डालेंगे।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे और एक बार हिला लेंगे। इस तरह के चमचे से इसे हम मिक्स करेंगे। ये इसका बैटर इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। टोटल ये हमारा 4 पैनकेक के हिसाब से बनाए हमने, 4 से 5 भी हो सकते हैं, आपके उस पर है, आप छोटा बड़ा जो भी साइज का डाल रहे। अगर आप बहनों अगर दही नहीं डाल रहे उसमें तो दूध की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा देना और आधा कप दूध ले लेना, और अगर आप बटर मिल्क डाल रहे तो फिर दूध नहीं भी डाले तो चलता, बटर मिल्क ही 1 कप भर के और आधा कप डाल देना, उससे भी बहुत ही अच्छा स्पंजी बनता है बटर मिल्क से। तो चलिए बहनों अब इसे हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब हम आपको 4 हिस्सों में इसमें चॉकलेट सॉस वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, वो हम 4 प्यालों में इसे निकाल लेंगे। बहनों हमने ये 4 बॉल्स लिए हैं, इसके लिए हम 4 बॉल्स लेंगे क्योंकि हम 4 टाइप के बना रहे हैं पैनकेक, तो इसलिए हम इसमें 4 बॉल्स लेंगे अलग अलग, अलग अलग एसेंस के बनेंगे, इसमें अलग अलग सिरप डालेंगे। तो अगर आपके पास करंट वाला ब्लेडर नहीं भी हो तो आप इस तरह के सादे बीटर से भी आप इसे फेंट के बना सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का सादा ब्लेंडर होगा इससे भी आप बना सकते हैं फेंट के बीटर। तो हम ये कप के हिसाब से ये 4 प्यालों में निकाल लेंगे। कप के हिसाब से हम इसे यहाँ पर ले लेंगे, सबसे पहले हम एक एक कप के हिसाब से ये 1 पैनकेक के हिसाब से ये दूसरा वाला, और ये तीसरा। इसी तरह आप, आपके पास जो भी चम्मच या कुछ भी होगा तो उससे आप इस तरह से पहले 4 बॉल में अलग अलग निकाल लें, तो आपको इसके हिसाब से फिर बनाने में आसानी होगी। ये टोटल हमने आधा आधा कप लिया है बैटर इसका। तो चलिए इसमें हम जो कोको चॉकलेट पैनकेक, उसमें चॉकलेट सॉस और कोको पाउडर डालेंगे, और जो अनन्नास पाइनएप्पल वाला उसमें अनन्नास सिरप डालेंगे, और जो स्ट्रॉबेरी वाला उसमें स्ट्रॉबेरी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये अनन्नास सिरप वाले में बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप ही डालेंगे हम इसमें,
तो इसे सबसे पहले मिक्स कर देंगे हम इस तरह से। ये इस तरह से येलो कलर का, ये एक येलो कलर का बन गया है। अब इसमें हम फिर कोको पाउडर वाला लेंगे। जो कोको पाउडर रखा था और ये सिरप, तो हम इसमें आधा टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे। और आधा टीस्पून ही ये चॉकलेट सिरप डालेंगे। इस तरह से हम आधा, ये एक टीस्पून इसमें ये सिरप डालेंगे, चॉकलेट सिरप, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट पैनकेक का बैटर तैयार है। एक हमने पाइन एप्पल वाला बना दिए और ये एक चॉकलेट वाला बनाए। हमें लगा थोड़ा सा और हम चॉकलेट सिरप डालेंगे इसमें। टोटल हमने इसमें एक फुल भर के, एक फुल टीस्पून हमने चॉकलेट सिरप और आधा टीस्पून कोको पाउडर डाला। इस तरह से इसे मिक्स करके ये अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। इसे हम एक बार रख देंगे। फिर अब इसके बाद हम एक स्ट्रॉबेरी वाला लेंगे, जिसमें हम बिल्कुल एक से दो ड्रॉप ही स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे। बिल्कुल हमने दो ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप है तो, या फूड कलर भी डाल सकते हैं आप इसमें, स्ट्रॉबेरी फूड कलर। ये हमारा स्ट्रॉबेरी वाला तैयार हो गया। और एक हम सादा ही रहने देने वाले हैं, इसे हम फ्रूट डाल के इसका हम उत्तप्पा बनेंगे, फ्रूट उत्तप्पा बनेंगे हम। तो ये हमारे चारों बैटर तैयार हैं। अब चलिए गैस पे, एक गैस पे पैन रखेंगे और हम ये पैनकेक बनेंगे। एक पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दो तीन मिनट गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये जो घी था वो थोड़ा डालेंगे, हल्का सा बस इस तरह से। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी वाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस पर हम इसे थोड़ा स्लो करके हम इसमें इस तरह से डालेंगे।
चारों तरफ से फिर इसके घी डालेंगे इस तरह से। लो आँच पे हम एक मिनट तक होने देंगे, इसे एक से आधा मिनट तक। ये एक तरफ से अच्छे से हो चुका है, इसे वो पलटा देंगे। अब यहाँ पर भी घी लगा लेंगे हम। चारों तरफ से अच्छे से, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। एक से डेढ़ मिनट तक होने देंगे एक साइड से अच्छे से। जैसे अच्छा चुका है, अब इसे हम और आधा मिनट रख के निकाल लेंगे। ये अच्छे से हो चुका है हमारा पैनकेक, अब इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। अब हम इसे दूसरा वाला डालेंगे और थोड़ा सा हमने घी डाला है। अब हम येलो वाला एंड पाइनएप्पल वाला डालेंगे हम। इसे इसी तरह से एक बार डाल दिए, बस इसे हमें फैलाना नहीं है। इसे बस उसी तरह जैसा डाले हमने इसे खुद ही से ही जितना फैला जितना हो सकता बस उसे हम डाल देते हैं। इसके बाद इसे हम चमचे से नहीं फैलाते, पैनकेक को कभी भी चमचे से नहीं फैलाना चाहिए। बस एक बार जो डाल दिए बस उसके बाद इसे वैसे ही रहने देते, चमचे से नहीं फैलाते। तो ये एक तरफ से हो गया हमारा, उल्टा देंगे इसे हम। और फिर इसके बाद इसे हम घी लगा देंगे। दोनों तरफ से हमने अच्छे से घी लगा दिया है। अब इसे हम एक तरफ से और आधा आधा से एक मिनट होने देंगे। इसके बाद फिर चॉकलेट वाला डालेंगे, अच्छे से हमने देंगे इसे। बहुत ही अच्छे टेस्टी और बहुत ही स्पंजी बनता है ये, बच्चों को टिफिन में देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके बच्चे टिफिन में कुछ भी नहीं खाते हैं तो ये टिफिन में देने के लिए जल्दी भी इजी भी है और हेल्दी भी है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें घर पे बच्चों को टिफिन में देने के लिए। ऐसे ही और घी लगा के फिर इसे और अच्छे से होने देंगे। अब ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम और घी थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर ये चॉकलेट वाला डाल देंगे। धीमी आंच पे ही रहने देना है इसे हमें,
वो लंच में नहीं रखेंगे हम। कभी भी याद रखें आप पैनकेक बना रहे थे, आँच को थोड़ी स्लो ही रहने देना, इससे नहीं तो हमारा पैनकेक जल जाएंगे। बस इसी तरह से हमें एक ही साथ डाल देना है, इसे फैलाना नहीं है चम्मच से, बस इसी तरह डाल दें। बाद में इसके चारों तरफ से हम इस तरह से घी डाल देंगे। आंच को थोड़ी बढ़ा देंगे हम। अच्छे से हमारे इसे चारों तरफ से और 10 से 12 सेकंड इसे होने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटा देंगे। इसे हम पलटा देंगे। और फिर वापस हम इस पे असली घी लगाएंगे। इस तरह हमारे 3 पैनकेक तैयार हो चुके हैं। अब हम पैनकेक उत्तप्पा बनेंगे। बहनों, अगर आप पैनकेक टिफिन में देना चाह रहे हैं या कभी नाश्ते में खाना चाह रहे हैं आप, या कोई गेस्ट आए तो उनके लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसका बैटर बना के फ्रिज में कंटेनर में 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं। तो इसे बनाकर फ्रिज में रख देना और जब भी आप खाना चाह रहे हैं इसे गरम गरम ही बना के खाएं, क्योंकि पहले से बना के रखे ठंडे हुए वक्त अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इसे तब का तभी बनाएं जब आप खाना खाने के लिए बैठे। तो इसका बैटर आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। तो बच्चों के टिफिन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये कि आप इसका बैटर बना के रखें, जब भी आप टिफिन के लिए बना रहे हैं तो बस फ्रिज में से निकालें और बनाएं। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आता है, तो चॉकलेट पैनकेक भी बना के आप टिफिन में दे सकते हैं उन्हें, और इस पर चॉकलेट भी किसके डाल सकते हैं आप चाहे तो, चॉकलेट सिरप से भी इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए, ये हमारा अच्छे से हो चुका है दोनों तरफ से, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम उत्तप्पा वाला बनेंगे। सबसे पहले हम और थोड़ा सा इस तरह से घी लगा लेंगे। ये आंच को हमने बहुत स्लो कर दिया है क्योंकि हम इस पर रूफ का मटेरियल डाल रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले हम इस पे ये जो अनार के दाने हैं वो डालेंगे, बस थोड़े से। इसके बाद इसमें सेब डालेंगे जो हमने एकदम बारीक चॉप करके रखा था। अब इस तरह का भी फ्रूट डाल के भी बच्चों को आप टिफिन में दे सकते हैं। इस पे हनी भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद है वो सिरप डाल सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल सिरप, बच्चों को जो भी पसंद है आप वो सिरप डाल के आप दे सकते हैं। और ये मॉस केला डाल रहे हैं हम, केले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पैनकेक के साथ।
आप चाहे तो बड़े पीस भी काट के पाइनएप्पल के भी बड़े स्लाइस लगा सकते हैं आप पैनकेक को, माउस केले के भी आप बड़े स्लाइस काट के लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे, हम टूटी फ्रूटी डालेंगे थोड़ी सी। तरह से हमने हमारा ये फ्रूट्स वाला उत्तप्पा तैयार कर दिया हमने। अब इसमें हम इसको साइड से घी लगाएंगे चारों तरफ से। इसे अच्छे से फिर उस तरह से पलटा देंगे। एक मिनट तक होने देंगे। आपको जो भी सिरप पसंद है आप इसको डाल सकते हैं। और एक से आधा मिनट होने देंगे इसे अच्छे से। ये आधे मिनट से हमारा हो रहा है, अब इसे हम पलटा के देखेंगे। ये अच्छे से हमारा हो चुका है, अब इसे बस हम और 10 सेकंड रहने पलटा देंगे, फिर उसके बाद निकाल देंगे। थोड़ा सा हमने साइड से कच्चा लग रहा है तो हम इसे और 10-15 सेकंड रहने देंगे बस, के बाद ही हमारा पैनकेक तैयार है। अब हम गैस बुझा देंगे। फिर हमारा अच्छे से हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। लीजिए ये हमारे चारों पैनकेक तैयार है। अब इस पे हम सिरप डालेंगे। सबसे पहले हम ये हमने शक्कर की चाशनी बनाई थी, हमने 1 कप पानी लेकर उसमें 1 कप शक्कर डालकर इसको 10 से 15 मिनट बॉईल किया था। तो ये इसमें हमने येलो कलर डाल के चाशनी बनाई है। अब इसमें हम बिल्कुल एक ड्रॉप रोज वाटर डालेंगे, बिल्कुल एक ड्रॉप डालेंगे हम। तो हम ये पाइनएप्पल पैनकेक पे ये येलो वाला सिरप डालेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम ये रूह अफ़ज़ा लिया हमने, तो रूह अफ़ज़ा वाला सिरप स्ट्रॉबेरी वाले पे डालेंगे। रूह अफ़ज़ा वाला सिरप स्ट्रॉबेरी वाले पे डालेंगे। हमने 1 टेबल स्पून लिया है रूह अफ़ज़ा। इस तरह से इस पे
ये रोहक्सा डालेंगे। गेहूं का आटा और ये फ्रूट्स पैनकेक पे हम हनी डालेंगे जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और चॉकलेट पैनकेक पे हम चॉकलेट सिरप डालेंगे, ये सिरप डालेंगे हम। चॉकलेट पैनकेक पे हमने चॉकलेट सिरप डाला है। तो ये चारों पैनकेक हमारे तैयार हैं। तो लीजिए बहनों, हमारा ये 4 किस्म के पैनकेक तैयार हैं, जिसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कैसे बने थे। इसे हम एक प्लेट में लेके काटेंगे। इस तरह से इसे एक चम्मच काटे की मदद से हम काटेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैनकेक अच्छे से हुआ है। आप बहनों कोई भी सिरप, आपके मनपसंद सिरप डाल के आप खा सकते हैं, इसे गरम गरम ही खाएं। तो चलिए, ये हमारे पैनकेक तैयार हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।